नमस्कार दोस्तों, आज है 7 अक्टूबर और आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो आज मैंने भी सोचा कि मैं कोई ना कोई सीड तो आज विंटर के लिए ग्रो कर ही लूँ। तो जब हम देखिए समय रहते ग्रो कर लेते हैं, सीड को उगा लेते हैं, तो क्या होता है कि हमें टाइम से फ्लावरिंग मिल जाती है या फ्रूटिंग या जो भी चीज़ हम अपने गार्डन में लगाते हैं वो हमें टाइम से मिल जाती है। तो देखिए दोस्तों, अभी इस समय मैं जैसे वीडियो बना रही हूँ ना, तो इस टाइम का जो टेम्परेचर है यहाँ लखनऊ में, आप चाहे तो गूगल पे चेक कर सकते हैं, 33 डिग्री है। और इस समय बहुत तेज़ धूप है, आप समझ लीजिए इस समय मैं बना रही हूँ ना वीडियो, काफ़ी तेज़ धूप भी हो रही है। तो लेकिन हमें सीड तो ग्रो आज मैं करूँगी। और देखिए क्या होता है ना कि सैपलिंग्स जो है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, सैपलिंग्स जो है मिल जाती हैं बहुत सारी, हर तरीके के फूलों की हमारे यहाँ भी मिल रही है थर्सडे को। और जैसे जो लखनऊ के लोग हैं ना, मैं उनको बता रही हूँ, थर्सडे और सैटरडे में बाजार लगती है, वो मार्केट में, वहाँ पर बहुत सारी सब सैपलिंग्स आपको मिल सकती हैं, आप बहुत सारे जाके ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ अभी बता दूँ, अभी पिटूनिया जो है, अगर आप चाहेंगे ना वहाँ जाएंगे, अगर आप पिटूनिया आप चाहेंगे जो कलरफुल जो पिटूनिया है, अगर आप वो चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। अभी जब तक मौसम थोड़ा ठंडा नहीं होने लगता है तब तक नहीं मिलता है। ये वाला जो पिटूनिया है ना, ये पूरे साल ये मतलब खिलता है, ये मेरे यहाँ कब से पड़ा रहता है, इसके सीड गमले में गिर जाते हैं। ये भी पिटूनिया ही है, पर ये माइनिंग पिटूनिया, तो ये सब मिल जाएगा। लेकिन अभी आप वो वाला जाएंगे लेने तो वो नहीं मिलेगा। और रही और सैपलिंग्स की बात, तो वो आप देख सकते हैं, इस समय आपको वो मिल जाएगी गुल मेहंदी या फिर और बहुत सारे सैपलिंग्स जो हैं आपको इस टाइम पे मिल जाएंगे, क्योंकि वो सब बाहर से बन बन के आते हैं। उन जहाँ पे वो सब वो लोग तैयार करते हैं, उनके पास पूरा धूप से बचाने का, तेज़ धूप से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ये सारे इंतज़ाम होते हैं, तो वो अपना हो जाता है। पर हमारे हम लोगों के यहाँ इतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते कि बार बार धूप में रखना और छाया में रखना, तो थोड़ा सा बस हमें इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम अभी अक्टूबर में इतनी तेज़ धूप में, इसीलिए मैंने पूरी कहानी आपको बता दी कि टेम्परेचर यहाँ कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। ये देखिए, ये हैं पिटूनिया के सीड, आप यहाँ में देख रहे हैं, मैंने इस पर ऐसे करके ना ये वाइट W लिख रखा था कि ये मुझे पता रहेगा कि ये वाइट वाला है। तो एक तो ये वाइट वाला मैं यहाँ इस पर ग्रो करूँगी और दूसरा जो है ये मैजेंटा करूँगी। तो दो कलर के इसमें करने वाली हूँ। और इसके लिए मैं कुछ खास नहीं, देखिए इसमें ना मैंने कोकोपीट भी मिक्स कर रखी है, कोकोपीट थोड़ी सी है, और इसमें वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी सैंड सब कुछ एक इक्वली पार्ट में मैंने लिया हुआ है। एकदम हल्की सी मिट्टी जैसे तैयार करनी है, और ऐसी भी तैयार करनी है कि जैसे थोड़ा मॉइस्चर एक बना रहे, इसीलिए मैंने कोकोपीट यूज़ किया हुआ है। तो आप चाहे, अगर आपके पास सैंड नहीं हो तो आप नहीं भी लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर से मैं यहाँ पे एक बार ग्रो कर दूंगी, फिर बाद में सारी सैपलिंग्स को रिपोर्ट करूंगी। क्योंकि ये देखिए ये क्या है ना, ये जो विंटर का जो पिटूनिया है, गर्मी वाला, सॉरी पिटूनिया बोल रही हूँ, ये कॉस्मस है जो विंटर का होता है, वो हाइट में उसका प्लांट बढ़ता। तो देखिए वो पीला वाला भी है, पीला और ऑरेंज कलर का जो गर्मी में आता है ना। अच्छा, मैं उसकी स्क्रीन पे पिक्चर दे दूंगी। तो वो गर्मी वाला होता है ना, वो थोड़ा सा हाइट में फिर भी चल जाता है, पर ये हाइट में ही बढ़ता है। तो मैं थोड़े इसमें से हटाऊंगी और लंबे जैसे पतले पतले से जो कंटेनर फालतू मेरे पास एस टाइप के दिखाती हूँ आपको, जैसे ऐसे कोई पेंट वेंट वाले डिब्बे होंगे जिसमें नीचे ज़्यादा जगह हो और ऊपर जैसे चौड़ाई नीचे। जैसे अब देखिए पिटूनिया अगर हमें लगाना है तो इस तरीके से हमें चौड़ा पॉट चाहिए होगा, पिटूनिया हो गया, ठीक है। तो कॉस्मस को चौड़ाई नहीं चाहिए होती, कॉस्मस को थोड़ा गहराई चाहिए होती है, जैसे उसको आपको चाहिए होती है ना डहेलिया को गहराई चाहिए होती है, ठीक है। तो चलिए बस इसको लगाते हैं। तो देखिए मैंने बता ही दिया इसमें क्या क्या मिक्स किया, चारों चीज़ें मिक्स कर ली हैं। और इसको मैं पहले गीला कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से गीला कर दिया है पहले से ही। अब इधर मैं सीड को थोड़ा डाल देती हूँ, तो ऐसे करके जैसे हमारे पास थोड़ा ज़्यादा सीड है ना, तो थोड़ा दूर दूर करके ऐसे करके आप डाल दीजिए इधर। आधा हिस्से में मैं कुछ और ग्रो करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि बाद में हमें इसमें से हटाना ही है, तो थोड़ा दूर दूर करके कर दीजिए इसको करीब ऐसे, ठीक है, बिल्कुल सटे सटे नहीं हो। और अभी मैं इसको अंदर क्यों नहीं कर रही हूँ, बस ऊपर ऐसे छोड़ रखा है। और जो ये वाला पॉटिंग मिक्सचर बनाया था ना सेम, ये थोड़ा सा मैंने ड्राई निकाल लिया था, अब इसको यूं ऊपर से ऐसे करके बस आधा आधा इंच समझ लीजिए कवर कर दीजिए ऐसे करके, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बहुत गहरे की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जब इसमें मॉइस्चर बना के रखिएगा
और इसके साथ आप क्या करिएगा कि इसको ना सूखने भी नहीं दीजिएगा, और ऐसे इस तरीके से आप बस हल्के हल्के से ऊपर से स्प्रे कर दीजिए पानी से। इधर साइड में ये वाला मैं डाल दे रही हूँ, ये वाला, ठीक है। इधर मैंने ऐसे एम लिख दिया है, जैसे मुझे बताओ कि हाँ ये मैजेंटा वाला कलर है, डार्क पिंक वाला कलर है। इधर वाइट वाला लगा दूंगी, तो जिससे मुझे पता रहेगा कि कौन कौन सा किधर है। क्योंकि होता क्या है ना, अब हम पहले सीट तो लगाते समय लगा लेते हैं, लेबलिंग नहीं करते ना, तो बाद में क्या होता है समझ ही नहीं आता रिपोर्ट करते समय कि किधर कौन सा है। तो चलिए, मैंने ये कॉस्मोस के सीड्स लगा लिए हैं। अब बहुत जल्दी मुझे, क्योंकि मौसम जब अनुकूल होता है, जब समय अनुकूल होता है, तो ग्रोथ तेज़ी से होती है। यही गर्मी में अगर हम विंटर वाले लगाने लगे, इतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, तो दिक्कत होने लगती है। अब इसको छाया में ही, शेड में ही रखना है, धूप में नहीं रखना है। चलिए दोस्तों, चलते चलते मैं आपको अपने सीड्स वाले फ्लावर्स दिखा दी। ये देखिए, ये सारे जितने भी हाइब्रिड विंका हैं, ये सब सीड से ग्रो किए हुए हैं। और आज ये जितने भी गुल मेहंदी हैं, ये सब सीड से ग्रो किए। और आज सुबह तो मैंने सारे, बहुत मतलब इससे मैं जितने फूल देख रहे हैं ना, इससे ज़्यादा मैंने तोड़ लिए हैं। पूजा के लिए सब तोड़ने थे, तो मैंने वो सब तोड़ लिए। आज तो सीड वाला ये भी खिला हुआ है, ये देखिए। बहुत सारे नाम है, दियाबाती, डुपर मोनी, एक्चुअल में तो ये नून फ्लावर है, दोपहर के टाइम भी खिलता है ये। और मेरे बैगन देखिए, ये तो घरेलू वाले जो घर में बैगन के सीड थे, कड़े कड़े से पके हुए थे, उनसे ही मैंने लगाया था। ये देखिए कितनी अच्छे, मतलब कितनी बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हो रही है। हालांकि थोड़ी से मैंने इसमें 2G 3G कटिंग भी की थी, ये भी रीज़न है। तो चलिए भाई, आप लोग भी खूब सारे सीड्स लगाइए, और आपके यहाँ अगर सैपलिंग्स मिल जाती हों तो सैपलिंग्स भी लगाइए। बहुत मतलब बहुत अच्छा रहता है, सैपलिंग्स मिल जाती है ना, तो हमारे पास ना बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स इकट्ठा हो जाते हैं। और एक चीज़ और होती है कि बस ध्यान रखिएगा, अगर सैपलिंग्स भी लगाइएगा ना, तो भैया तेज़ धूप में मत रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त तेज़ धूप हो रही है इस टाइम पे। चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और ये देखिए, ये शतावर की जड़ें हैं। कल मैंने एक पॉट खाली किया, मैंने आपको बताया भी था, पूरा इतने कांटे इसमें, कांटे बहुत कांटे थे, काफ़ी सारी, तो यहाँ पर सारा मैंने कट किया है। ये सब शतावर की जड़, बहुत सारे प्लांट हो गए थे एक्चुअली मेरे पास। ये देखिए, तो अब इसको थोड़ा सा सुखाऊंगी, देखती हूँ इसका क्या मतलब, वैसे तो चूरन बनता है इसका, इसको निकालूंगी। चलिए दोस्तों, भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, ठीक लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।